नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ब्रेकआउट की एक और वीडियो में। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए आज मैं आप लोगों को उन स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने आज से 3 महीने पहले दिए थे। मीन्स आप लेके चलिए 90 दिन या 100 दिन पहले जो मैंने आपको जो स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए थे उन सारे स्टॉक्स की आज हम चर्चा करेंगे। उन सारे स्टॉक्स को आज हम जो है अपडेट करके देखेंगे। तो देखिए ये जो मैंने जो भी स्टॉक्स की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो भी स्टॉक्स में टॉप 20 मैंने अपने निकाल के रखे हुए हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये सारे के सारे स्टॉक मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दिए थे। आप जाकर टेलीग्राम चैनल में इन सारे स्टॉक्स के लेवल वहां पर देख सकते हैं, सारे स्टॉक्स को वहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं जो पोजिशनल के लिए जो स्टॉक्स है वो मैं वीकेंड पर मैं अपडेट करता था। वीकेंड पर मैं जो है नए जो स्टॉक्स होते थे उनके बारे में आपको रेकमेंड करता था कि जो भी स्टॉक्स हैं ये स्टॉक्स हैं यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है वो प्रॉपर लेवल में आप लोगों को लिखकर मैं टेलीग्राम चैनल पे देता था। सो देखिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली जो है इंट्राडे की कॉल्स वहां पोस्ट करता हूँ, चार्ट के साथ मैं वहां पर पोस्ट करते रहता हूँ। सेकंड क्या है, मैं एवरी वीकेंड पर मैं वहां पर जो है पोजिशनल स्टॉक्स मैं वहां पर आप लोगों के लिए प्रेफर करता हूं, जो स्टॉक्स ब्रेकआउट देने वाले हैं या फिर जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे चुके हैं और जस्ट उन्होंने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और कहां से हमको एंट्री लेनी चाहिए, कहां से हमको एग्जिट करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं पीछे अपने टेलीग्राम चैनल में कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करते आया हूँ। सो आज हम जो है उन्हीं सभी स्टॉक्स में से हमने स्टॉक्स लिए हुए हैं और वो उन्हीं सब स्टॉक्स की हम जो है चर्चा करेंगे। देखिए स्टॉक्स मैंने नियर अबाउट 30 से 35 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को पिछले 3 से 4 महीने के अंदर दिए थे, बट मैंने यहाँ पर 20 स्टॉक यहाँ पर लिए हुए हैं क्योंकि वीडियो जाए लंबी हो जाएगी, इसलिए 20 स्टॉक्स मैंने आपको चुनकर यहाँ पर रखे हुए हैं और आप लोगों को साथ में उसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो हमारा बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट स्टॉक देखिए मैंने आप लोगों को कहाँ पर दिया था, मैंने बर्जर स्टॉक का पेंट मैंने आपको सेप्टेम्बर के महीने सॉरी अक्टूबर के महीने में दिया था। ये अक्टूबर का महीना मे बी 5 से 6 अक्टूबर के बीच में मैंने आपको दिया था और मैंने आपको रिकमेंड किया था बर्जर पेंट का स्टॉक 595 रुपये के ऊपर बाय करने के लिए। तो अब देखिए 595 रुपये के ऊपर अगर आपने बाय किया होता या नहीं भी किया होता, चलिए आपने किया नहीं किया, मैंने किया नहीं किया वो बात अलग है, हम यहाँ पर जो है अपने एनालिसिस को हम अपडेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एज ए व्यू हम यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं। तो 595 का यहाँ पर हमारा व्यू था कि 595 के ऊपर ये स्टॉक जैसे निकलेगा काफी अच्छा यहाँ पर एक बूम कर सकता है और फाइनली क्योंकि ये कंटिन्यू चैनल में चल रहा था और चैनल में चलने के कारण यहाँ पर जो है हमको ये था कि स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है और उसमें काफी अच्छे तेजी के संकेत भी दिख रहे थे। तो 595 से देख लीजिए यहाँ पर जो हाई लगा है, ये जो फ्राइडे का जो हाई लगा है देखिए ये 770 का लगा है, तो 595 में 600 मान लीजिए यहाँ पर 170 से 175 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पर हो चुकी है। हम यहाँ पर गए तो 30 से 35% की परसेंट की हमको रिटर्न जो है यहाँ पर 3 महीनों के अंदर हमको यहाँ पर मिली है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सेम कैटेगरी से है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट का जो स्टॉक है मैंने आप लोगों के लिए जो दिया था ये मैंने 1920 के लेवल पर दिया था। 1920 का लेवल जो था ये एक हर्डल लेवल था और इसी लेवल पर बार बार जाके जो है मार्केट रिवर्स हो रही थी। तो फाइनली देखिए जो ये ब्रेकआउट हुआ था ये ब्रेकआउट आप यहां पर देखेंगे मे बी 25 सितंबर के बाद। तो 25 सितंबर के बाद यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये देखिए 25 सितंबर को इसने जो हाई लगाया है वो 1900 के आसपास का लगाया है। तो फाइनली यहां पर देखिए जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहां से अगर आपने ये बाइंग किया होता या फिर देखिए 1950 के बाद या 1920 के बाद यहां पर जो फ्रेश हाई लगा है वो लगा है देखिए 2800 के आसपास का। तो मे बी यहां पर देखिए 800 पॉइंट्स की मूव हमको यहां पर 3 महीने के अंदर देखने को मिली है। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा टाइटन। तो टाइटन देखिए ये वन ऑफ दी माय फेवरेट स्टॉक्स में से है, ये जो है मेरा एक फेवरेट स्टॉक है टाइटन। इसको देखिए मैंने सबसे पहले जो आपको रेकमेंड किया था वो 1080 के लेवल पर, ये जो लेवल था ये देखिए 1070 से 75 का लेवल है ये, और इसी लेवल पर देखिए मल्टीपल टाइम जाकर टेस्ट हुआ है और फाइनली जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने यहां पर 1080 पे आपको रिकमेंड किया था आपको टेलीग्राम चैनल में वीकेंड पर। 1080 के बाद देखिए हमने कुछ पोजिशन यहां बनाई थी, फाइनली देखिए एक यहां पर 1208 के बाद जहां पर मैंने ये लाइन खींच के रखी हुई है, 1080 के बाद मैंने 1280 के पास भी ये रिकमेंड किया था सॉरी 1208 के पास। तो अगर आपने मैंने बताया था कि अगर आपने 1080 पे मिस कर दिया है नहीं लिया तो आप यहां पर 1208 के पास ले सकते हैं। और फाइनली देखिए 1080 से जो आज इसका जो फ्रेश हाई जो लगा हुआ है वो 1573 का, तो मे बी हम यहां पर कह सकते हैं 500 पॉइंट्स की मूव हमको जो है टाइटन ने भी रिटर्न दी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज फिंसर्व।
तो बजाज फिनसर्व देखिए इसमें तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर मूव देखने को मिली। यहाँ पर ये देखिए एक जो ये लेवल था नियर अबाउट 62 के आसपास का, 6200 के आसपास, मतलब 6180 6180 का लेवल। तो ये जब लेवल ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पर मैंने आपको जो है बाइंग करने के लिए बताया था, और ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये 6 नवंबर को हुआ था। तो यहाँ पर हमको जो मूव जो हमको रिटर्न मिली है वो मे भी हम कह सकते हैं 2 महीने के अंदर अंदर हमको इतनी रिटर्न मिली है। तो 6200 6280 मीन्स आप 6300 लगा लीजिए, 6300 से लेकर के इसने जो हाई लगाया वो लगाया 94 प्लस लगाया, 9450। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हमको 3000 से 3100 पॉइंट्स की मूव हमको जो है 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिल गई। तो हम कह सकते हैं बजाज फिनसर्व ने हमको एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा देखिए बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो 3560 के आसपास, यहाँ पर देखिए 3560 के आसपास ये जो रिटर्न हमको मिली थी, तो ये देखिए 10 नवंबर 11 नवंबर के सॉरी 4 नवंबर के आसपास का ये चार्ट है, और 4 नवंबर को जो ये ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने आपको वीकेंड के आसपास मैंने आपको ये पोस्ट किया था बाइंग करने के लिए कि आप 3460 के ऊपर यहाँ पर जो है आप बाइंग सॉरी 3560 के ऊपर आप यहाँ पर बाइंग बना सकते हैं। सो फाइनली देखिए 3560 से लेकर इसकी जो फ्रेश हाई यहाँ पर जो लगा हुआ है वो हाई लगा हुआ है 5300 के आसपास। तो हम यहां पर कह सकते हैं 1800 पॉइंट्स की मूव हमको यहां पर जो है मे बी 2 महीने के अंदर अंदर ही हमको यहां पर मिल चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हैवल्स। तो हैवल्स को मैंने देखिए 577 के लेवल पर यहां मैंने आपको बाइंग करने के लिए दिया हुआ था, सॉरी मैं इसको हम 577 का लेवल पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं, चार्ट में आप लोगों के लिए बड़ा कर लेता हूँ। तो ये 577 का लेवल है, ये देखिए यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो ये मल्टीपल टाइम जब यहाँ पर टेस्ट हो रहा था और फाइनली जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने आपको यहाँ पर ये हैवल्स को बाय करने के दिया था 577 के आसपास। तो 577 से जो अब यहाँ पर फ्रेश हाई लगा है वो लगा है 925 का। तो 500 आप देख सकते हैं 570 580 से लेकर के ये 925 तक पहुंच गया है मे बी 2 से 3 महीनों के अंदर। अब यहां पर भी ध्यान रखिएगा, यहां पर 935 का लेवल यहां पर अगर क्रॉस करता है तो यहां पर एक बार दोबारा अच्छी मूव यहां पर हमको देखने को मिल सकती है। तो ये भी अपने फोकस पर रखिएगा हैवल्स। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा जो है गेल। तो ये गेल हमारा एक सुपर स्टॉक था, गेल के बारे में हम सॉरी चोला मंडलम फाइनेंस है, चोला मंडलम फाइनेंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो ब्रेकआउट यहाँ पर हमको देखने को मिला था ये 1 नवंबर के आसपास हमको ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो नवंबर में मैंने आपको स्टार्टिंग के नवंबर में आपको ये बाइंग करने के लिए बताया था क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं अगर 265 से लेकर के हम यहाँ पर देखें जो फ्रेश लगा हुआ है 416, तो यहाँ पर भी देखिए हमको 145 150 के पॉइंट के आसपास हमको मूव देखने को मिली है। अब ये देखिए आप 300 का स्टॉक है और आपको 150 पॉइंट्स की मूव यहाँ पर मिल रही है 2 से 3 महीनों के अंदर। तो 3 महीने में 50% यहाँ पर जो है रिटर्न हमको यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। तो 50% का रिटर्न 3 महीने के अंदर बहुत होता है, थोड़ा नहीं होता है। जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं आप उनसे पूछ के देखिए कि वो पूरे ईयर में कितनी एक्सपेक्ट करते हैं। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो 20 से 25% बहुत हाईएस्ट एक्सपेक्ट करता है, यहां तो फिर भी 3 महीने में 50% की रिटर्न आपको जो है मिल रही है। चलिए हम अगले स्टॉक की बात करेंगे। अगला स्टॉक है हमारा गेल। तो गेल को देखिए फाइनली यहां पर हमने जो इसको बाइंग के लिए बताया था वो 88 और 89 के लेवल के बीच में, ये जो देखिए ब्रेकआउट हुआ था ये 10 नवंबर का ब्रेकआउट है। 10 नवंबर से इसने दिसंबर के अंदर अंदर ही पूरी फ्रेश ब्रेकआउट अपना रिटर्न दे दिया था। अब देखिए 100 रुपए के अंदर का स्टॉक है, 88 पे आपको बाइंग करने के लिए मिल रहा है और 128 तक ये जा रहा है। मीन्स देखिए यहां पर भी 80 रुपए के आसपास का स्टॉक और आपको 40 रुपए की मूव यहां पर दे गया 2 महीनों के अंदर अंदर। मीन्स यहां पर भी आपको 50% के रिटर्न हमको जो है गेल ने दिया है, ये भी 2 महीनों के अंदर अंदर। अब 2 महीने में देख लीजिए ट्रेडिंग सेशन कितने होते हैं, 1 मंथ में ट्रेडिंग सेशन 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो 2 महीनों में आप मान लीजिए 40 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको 50% की रिटर्न कोई पर्टिकुलर स्टॉक दे रहा है तो एक बहुत अच्छी रिटर्न है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी। तो एचडीएफसी के बारे में यहां पर बात करेंगे। एचडीएफसी ने यहां पर देखिए जो यहां पर ब्रेकआउट दिया था ये 2 नवंबर के आसपास दिया था। तो 2 नवंबर को देखिए इसको हमने आपको जो बताया था वो 1960 के आसपास यहां पर लेने के लिए बताया था कि 1960 के आसपास यहां पर एक बाइंग बन सकती है, 1960 के बाद आप यहां पर ले सकते हैं। सो ये स्टॉक मैंने जो आपको वीकेंड पे पोस्ट किया था एचडीएफसी का, जाकर एक बार अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहां पर जाकर आप ये सारे चार्ट जो है चेक कर सकते हैं और जो है मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हर वीकेंड पे आप लोगों को नए नए स्टॉक मिलेंगे या फिर हर वीकेंड पे या हर दूसरे वीकेंड पे, मतलब या तो एक एक हफ्ते में मिलेंगे या तो 15 दिन के बाद, ठीक है। तो वहां पर कंटिन्यू आपको फ्रेश व्यू वहां पर मिलते रहते हैं। तो यहां से देखिए 1960 से लेकर के स्टॉक ने जो मूव किया है वो 2600 के आसपास का है। तो मे भी देखिए हमको यहां पर 700 पॉइंट्स की मूव हमको 2 महीने के अंदर हमको यहां पर एचडीएफसी बैंक ने दी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक को देखिए आपको जो मैंने रिकमेंड
किया था वो 1170 के लेवल के आसपास। ये देखिए 1170 का ये लेवल है, तो ये भी हम अक्टूबर के महीने में हमने आपको यहाँ पर पोस्ट किया था। तो 1160 से लेकर के यहाँ पर देखिए जो हाई लगा हुआ है वो 1464 का, मे भी हमको यहाँ पर 300 पॉइंट्स की मूव मिली है। हम कह सकते हैं यहाँ पर मे भी हमको HDFC बैंक ने 30% के आसपास के रिटर्न हमको 2 महीनों के अंदर अंदर दी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक को देखिए हमने जो आपको रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड मैंने इसके आसपास किया था, 422 रुपये के आसपास, सॉरी यहाँ ये लेवल है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, 370 के आसपास। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट हुआ था इसका हाई 370 के आसपास लगा था, और आपको बताया था कि नेक्स्ट डे आप जो है इसमें बाइंग बना सकते हैं। तो 370 से लेकर स्टॉक देखिए कहाँ तक चला, 550 के आसपास तक चला। तो मे भी हम यहाँ भी कह सकते हैं हमको 30 से 40% की रिटर्न ICICI बैंक ने भी दी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट देखिए 1 अक्टूबर का ब्रेकआउट है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पर 3 महीने में देखिए कितनी जबरदस्त हमको यहाँ मूव देखने को मिली है। तो 550 से लेकर के स्टॉक जो है 950 के आसपास चले गया। यहां भी आप कह सकते हैं कि हमको 40% के आसपास के रिटर्न जो है इंडसइंड बैंक में देखने को मिली है। देखिए इंडसइंड बैंक को मैंने आपको कई बार प्रेफर किया था, कई बार मैंने रिकमेंड किया था कि आप इंडसइंड बैंक को जो है ले सकते हैं जब जब यहां ब्रेकआउट हो रहे थे, चाहे वो ब्रेकआउट 560 के आसपास हुआ था, चाहे वो ब्रेकआउट 650 के आसपास हुआ था, चाहे वो ब्रेकआउट 840 के आसपास हुआ था। तो मैंने हर जगह आपको इंडसइंड बैंक का या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, हर वीक मैंने आप लोगों को इस तरह के स्टॉक दिए हैं जो बार बार ब्रेकआउट कर रहे थे। अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो टेलीग्राम चैनल में एक बार जाकर दोबारा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक में देखिए यहां पर जो ब्रेकआउट आया था, यहां पर 19 अक्टूबर को आया था। तो देखिए ये जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूं, ये ज्यादातर आपको 90% स्टॉक जो है आपको 2 महीने के अंदर ही ये रिटर्न दे चुके हैं। ये 3 महीने के कोई एक या दो स्टॉक है जो हमने अक्टूबर से उठाए हुए हैं, मोस्टली स्टॉक जो है हमने नवंबर से उठाए हुए हैं। तो यहां पर देखिए अक्टूबर में जो है 19 अक्टूबर को यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ था वो 1370 का लेवल जब क्रॉस हुआ था, तो मैंने यहां पर आपको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करके बताया था कि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, आप यहां पर चाहे पोजीशन बना सकते हैं। तो 1370 से लेकर ये जो स्टॉक गया है देखिए 2025 के आसपास गया है, तो मे भी हम कह सकते हैं कि 700 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमको यहां पर देखिए 2 महीने के अंदर देखने को मिला है। तो ये देखिए बहुत अच्छी रिटर्न होती है, 1300 रुपए का स्टॉक है, 700 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, मे भी 50% प्रॉफिट। देखिए कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें आपको 30+ प्रॉफिट ना यहाँ पर मतलब हमारे स्टॉक्स ने दिया हो जिसको हमने रेकमेंड किया हुआ है। आप इसको फोकस करिए, जब जो भी स्टॉक आपको मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूँ, एक बार उस पर एनालिसिस भी जाकर जरूर किया करिए और देखा करिए कि वो ब्रेकआउट लेवल किस जगह है, कैसे ब्रेकआउट हो रहा है, उसकी मूव को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट स्टॉक देखिए हमारा है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस को यहाँ पर देखिए हमने अक्टूबर के आसपास ही आपको प्रेफर किया था, सॉरी यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ है मीन्स 1030 के आसपास, यहाँ देखिए ये जो 1030 का जो लेवल है, ये 1030 का लेवल जब ब्रेकआउट हुआ ये 5 अक्टूबर को हुआ था। तो 5 अक्टूबर से लेकर ये भी देखिए 3 महीने के अंदर हमको कितनी अच्छी मूव मिली है। अब 800 से यहाँ पर 1000 से लेकर के स्टॉक देखिए कितना 1250 के आसपास चले गया। तो यहाँ पर भी हमको मोर देन 25% के आसपास इन्फी ने भी हमको यहाँ पर रिटर्न दिया। इन्फी मीन्स इन्फोसिस, कई लोग नहीं समझ पाते हैं तो सो इसलिए मैं बता दिया है। अब ITC को मैं यहाँ बताऊंगा। ITC को देखिए हमने प्रेफर की रेकमेंड किया था 10 नवंबर को, 10 नवंबर को यहाँ पर ब्रेकआउट आया था और इस ब्रेकआउट का जो हाई लगा था यहाँ पर 178 का लगा था। तो आपको बताया था मैंने टेलीग्राम चैनल में कि आप 180 के ऊपर यहाँ पर आप बाइंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 180 के ऊपर आपने बाइंग बनाई होती तो 180 से देख लीजिए 217 में भी यहाँ पर 40 पॉइंट हमको यहाँ पर 2 महीने के अंदर ITC में भी देखने को मिले हैं। तो 40 पॉइंट से रिटर्न भी देखिए काफी अच्छी रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 पॉइंट से रिटर्न को आप जो है 25% के आसपास के रिटर्न कह सकते हैं 2 महीनों के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा JSW स्टील। तो JSW स्टील की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था नियर अबाउट 16 अक्टूबर को, यहाँ पर मैंने प्रेफर किया था कि आपको रेकमेंड किया था, सॉरी 312 के ऊपर जो है यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, सॉरी 313 के ऊपर मैंने बताया था, 313 के ऊपर यहाँ बाइंग कर सकते हैं। तो 313 से लेकर के स्टॉक देखिए 400 रुपये के आसपास चले गया। तो JSW स्टील ने भी हम कह सकते हैं हमको एक काफी अच्छी यहाँ पर मूव दे दी है 100 पॉइंट्स के आसपास, ये भी 20-25% मूव हमको जो है JSW स्टील ने भी दी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जुबिलेंट फूड। और जुबिलेंट फूड को देखिए यहाँ पर रिकमेंड मैंने बताया था आपको नियर अबाउट कितने के लेवल पे, 1850 के आसपास। तो 1850 से लेकर के स्टॉक ने देखिए कितनी बड़ी मूव की है, 2900 पे चले गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नियर अबाउट 50% की मूव जो है आपको जुबिलेंट फूड ने भी यहाँ पर दे दी है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है माइंडट्री। तो माइंडट्री देखिए यहाँ पर ये लेवल जो है, मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा।
देखिए माइंड ट्री ने यहाँ पर आप लोगों को मैंने रिकमेंड किया था नियर अबाउट 1090 के लेवल, सॉरी 1100 के लेवल के आसपास, और 1100 से लेकर के ये स्टॉक देखिए कितना चलेगा, 1700 के आसपास। तो 600 मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं 50 से 60% के आसपास की हमको रिटर्न जो है माइंड ट्री ने भी दी है। नेक्स्ट स्टॉक देखिए हमारा है मदर सुमी। तो मदर सुमी को देखिए मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन किया था आपको 115 के आसपास, तो 115 से लेकर स्टॉक देखिए 165 के आसपास आ गया है। मे बी यहाँ पे हमको 40 से 50% के आसपास की मूव मिल गई है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पेज इंडस्ट्रीज। तो पेज इंडस्ट्रीज देखिए यहाँ मैंने आपको रिकमेंड किया था 5 नवंबर को, 5 नवंबर को जब यहाँ पर ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ था, ये चार्ट चार्ट में बड़ा करता हूँ फिर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 5 नवंबर को यहाँ पर देखिए ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ था, ट्राइंगल के ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको जो हाई यहाँ पर क्लोजिंग आई थी वो 20,902,0967 की आई थी, 20,967 की। तो मैंने आपको बताया था कि ये जैसे 21,000 के ऊपर निकलेगा आप इसमें पोजिशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली देखिए 21,000 से स्टॉक लेकर के देखिए 28,000 के से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 7,000 पॉइंट्स की हमको जो है रिटर्न हमको यहाँ पर पेज इंडस्ट्री ने भी दी है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा नेस्ले। तो नेस्ले को देखिए यहाँ पर रिकमेंड मैंने आपको किया था नियर अबाउट आपको 17,000 के आसपास की, 17,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ बाइंग बना सकते हैं। कब मैंने आपको दिया था, नियर अबाउट 19 या 20 नवंबर के आसपास। तो 17,000 से देख लीजिए इसने जो हाई लगाया वो 19,000 के आसपास का लगाया, तो 2,000 पॉइंट्स की रिटर्न जो है हमको नेस्ले ने दी है। नेक्स्ट स्टॉक है और नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है हमारा स्टार। स्टार मीन्स स्ट्राइड्स। तो स्ट्राइड्स को मैंने यहाँ पर जो आपको रिकमेंड किया था वो अगस्त के महीने में शायद मैंने किया था, तो ये मैं 500 क्लोजिंग के ऊपर, सॉरी यहाँ यहाँ पर देखिए 500 के आसपास जब भी जा रहा था स्टार का स्टॉक, बार बार यहाँ से रिवर्स कर रहा था, यहाँ भी 500 के लेवल को टच किया, तो यहाँ भी देखिए यहाँ पर जो है पीछे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। अगेन जब 500 के ऊपर की क्लोजिंग आई थी तब मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि अब यहाँ पर आप पोजिशन बना सकते हैं 505 रुपये क्लोजिंग के ऊपर, और फाइनली देखिए 505 रुपये के ऊपर जैसे स्टॉक निकला तो इसने जो है 927-928 के आसपास में भी आप कह सकते हैं कि डबल के आसपास ही आ गया। तो यहां पर देख लीजिए अगर 500 का स्टॉक आपको 900 के आसपास चले गया तो 80 से 90% की रिटर्न जो है आपको स्टार ने भी दे दी है। तो उम्मीद करता हूं जो मैं एनालिसिस आप लोगों को करके बताता हूं आप लोगों को पसंद आती होगी। जो भी एनालिसिस मैं वीकेंड पर आप लोगों के लिए पोजिशनल जो पोजिशन करते हैं, जो पोजिशन में एंट्री बनाते हैं, वो उन लोगों को पसंद आ रही होगी। बाकी देखिए मैं इस वीक शायद देखूंगा अगर कोई अच्छे स्टॉक्स मिल रहे होंगे तो मैं आप लोगों के लिए वो स्टॉक्स भी आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल में, और पिछले जो स्टॉक हैं उनको भी मैं अपडेट करूंगा। चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, वीडियो को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, सो थोड़ा सा लाइक और शेयर करके एनकरेज कर दिया करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।